अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारे मैथ्स की क्लास है और चैप्टर हमारा वही कंटिन्यू है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। समझ लिया था 9.1 कंटिन्यू की हमारी और 32 क्वेश्चन नंबर तक कर लिया है। आज हमने स्टार्ट लेना है क्वेश्चन नंबर 33। देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। आप पेयर पेंसिल साथ लेके बैठिए, स्टार्ट लेते हैं। ओके, क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 33। फाइंड द नंबर रिप्रेजेंटेड बाय एक्स इफ। नंबर फाइंड करना है कौन सा, एक्स। देख लेते हैं क्या करना है इसमें। मैंने क्वेश्चन उतार लिया यहाँ पर, लेते हैं अपना क्वेश्चन। फाइंड मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। देखते हैं किस तरीके से स्टार्ट लेंगे। हेडिंग लगाई हमने सॉल्यूशन की, ठीक है जी। सॉल्यूशन की हेडिंग लगाने के अच्छा जी, क्वेश्चन है मेरे पास 2x = 8। ओके, 2x = 8 हेडिंग मैंने स्टार्ट की सॉल्यूशन की, ठीक है। अच्छा, अब मुझे करना क्या है इसमें, फाइंड क्या करनी है, x की वैल्यू, ठीक है। किस तरीके से करूंगी, मैंने यहाँ पे वापस से क्वेश्चन लिखा 2x = 8। 2x = 8। अब हमें कुछ चीजें ध्यान में रखनी होती हैं कि क्या हो रहा होता है। यहाँ मैं वापस देखा x, ये 2 क्या हो रहा है इसके साथ, x के साथ ये 2 हो रहा है, x के साथ मल्टीप्लाई, कोई साइन नहीं है इसका, मतलब ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। यहाँ पे लिखा हुआ है 8, ये x मैंने यही रखा, ये 2 जब यहाँ इस इक्वल की इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां जाके ये क्या हो जाएगा, जल्दी से अगर मैं इसको शिफ्ट कर दूं उधर तो ये वहां जाके क्या हो जाएगा, ये बता सकता है। इस 2 को मैं इक्वल के उधर शिफ्ट करूंगी तो यहाँ पे जो ये मल्टीप्लाई हो रहा है उस इक्वल के उधर जाके कौन सा ऑपरेशन अप्लाई हो जाएगा इसका, तो जहन में है ये इस तरीके से होता है कि ये 2 है, इसको मुझे यहाँ से खत्म करना है। जी नहीं बेटा, मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई का अपोजिट होता है डिवाइड, ठीक है। ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, मैंने क्या करना है, जब इसको खत्म करना है तो मैं दोनों तरफ इसको 2 को डिवाइड कर दूंगी। क्या किया मैंने, दोनों तरफ इस 2 को डिवाइड कर दूंगी, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, 2 1 2 2 1 2, यहाँ पे क्या सिर्फ बाकी रह गया, x इक्वल्स टू 2 के टेबल में 8 कितने टाइम आता है, 2 1 2 2 4 8। या फिर मैं रफ वर्क में डिवाइड भी करके बता दूँ, छोटे बच्चे तो है नहीं यहाँ पर, समझ तो आता है आप लोगों को। एट लिखा, 2 लिखा, 2 के टेबल में 8 कितने टाइम आ गए, 2 4 8, ठीक है जी। ये मैंने कर लिया, यहाँ पे मेरे पास लिखा x = 4। सब समझ आया यहाँ पे, ये हो गया हमारा 1। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है मेरे पास, 5 + x = 10। अब ये क्या हो रहा है, प्लस। अब जरा मुझे बताइए क्या करना पड़ेगा, माइनस, बिल्कुल वेरी गुड। 5 यहाँ पर प्लस हो रहा है, इक्वल्स टू के उधर जाके क्या हो जाएगा, 5 माइनस, क्या किया मैंने, 5 एक प्लस हो रहा है, माइनस 5, ठीक। प्लस एक्स था, माइनस 5 क्यों मैंने बढ़ाया, क्योंकि 5 को मुझे ऐसे खत्म करना है। जो ऑपरेशन में इक्वल के इस तरफ अप्लाई करूंगी, वही ऑपरेशन में इक्वल के उस तरफ जाके भी अप्लाई करूंगी। इक्वल्स टू 10, क्या किया मैंने, माइनस 5, ये 5 था, माइनस 5 बढ़ाया क्यों, इसी प्लस एक्स इक्वल्स टू 10 और फिर माइनस 5 यहाँ भी कर दिया मैंने, प्लस 5 और माइनस 5 खत्म हो गया। यहाँ क्या बच गया, सिर्फ x, प्लस का x है, लगाने की नीड नहीं है, प्लस इक्वल्स टू 10 में से 5 गए, 5।
सिंपली आंसर आ गया x इक्वल्स टू 5। क्लियर है बच्चों? नाउ 1 हो गया था, 2 हो गया था, 3 बताइए जरा मुझे, 3 में क्या हो रहा है? 4x है, जल्दी से बता दीजिए। इक्वल के उधर जाके 4 क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। 3 का बता दीजिए, डिवाइड। वेरी गुड सामिया। एंड 4, 4 का क्या होगा? बेटा मल्टीप्लाई कैसे? 4 अभी मल्टीप्लाई हो रहा है ना, जब मैं ऑपरेशन अप्लाई कर दूंगी मुझे यहाँ से 4 खत्म करना है ना। सुफियान क्या हो गया बेटा आप लोग? क्वेश्चन नंबर 5 में -1 इक्वल्स टू 5 या माइनस हो रहा है, माइनस का अपोजिट क्या हो जाएगा? वेरी गुड, माइनस का अपोजिट आपके पास हो जाएगा प्लस। जिस तरीके से यहाँ पे मैंने बताया था प्लस हो रहा है वो माइनस हो जाएगा इक्वल के अंदर जाके, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन में है एक्स माइनस वन है तो मुझे एक्स रखना है यहाँ पर, माइनस वन को खत्म करना है, तो मैं दोनों तरफ इक्वल के इधर भी और उधर भी प्लस का इजाफा कर दूंगी तो सिर्फ यहाँ पर एक्स बच जाएगा मेरे पास। आ जाते हैं नंबर 5 पर। नंबर 5 है मेरे पास एक्स माइनस वन इक्वल्स टू 5। सॉल्यूशन की हेडिंग ठीक है जी, एक्स माइनस वन और क्या इजाफा किया मैंने माइनस वन को खत्म करने के लिए, दोनों तरफ इक्वल की इधर और इधर प्लस वन ऐड किया इक्वल्स टू, अगर मैं यहाँ पे प्लस वन कर रही हूँ तो इक्वल के उधर भी प्लस वन ही करूंगी, माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो गया, जीरो हो गया, एक्स इक्वल्स टू 5 प्लस 1 इक्वल्स टू 6 इज योर आंसर। क्लियर है ये चीज? माइनस तो है ये एरा। 12 देख लेती हूँ, एक्स डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 8। क्वेश्चन नंबर 12 मेरे पास है एक्स अपॉन 2 या डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू क्या है मेरे पास? 8 है। नाउ कौन बताएगा यहाँ डिवाइड हो रहा है, डिवाइड का अपोजिट में क्या कर सकती हूँ? डिवाइड को डिवाइड बाय 2 को मुझे खत्म करना है क्योंकि जस्ट मुझे यहाँ पर x चाहिए, क्या करूंगी मैं? ऊपर हम कर चुके हैं मल्टीप्लाई को डिवाइड में, तो अब डिवाइड को मैं किस में चेंज कर सकती हूँ? वेरी गुड सामिया, मल्टीप्लाई x अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 2। क्या करना है मुझे? डिवाइड को मैं चेंज कर दूंगी मल्टीप्लाई में, ठीक। 2 वन जा 2, 2 वन जा 2, यहाँ पे सिर्फ क्या बचा? एक्स इक्वल टू 8 टू जा 16 आंसर। समझ आ गया बच्चों सबको? क्या करा हमने? पहले में मल्टीप्लाई चेंज होता है डिवाइड में, दूसरे में प्लस चेंज हो जाता है माइनस में, तीसरे में मैंने बताया माइनस चेंज होता है प्लस में, एंड देन फोर्थ है डिवाइड चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में। सही, होमवर्क का तरीका बता देती हूँ, क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन नंबर 33, फाइंड द नंबर रिप्रेजेंटेड बाय एक्स इफ, ये लिख लिया आप लोगों ने, करना है नंबर 1, नंबर 3, 5, 7 यानी ऑड में करने, 9, 11, 13 and 15। सही है बच्चा? अभी आप लोग कॉपी में कीजिए नंबर 1, जल्दी से कीजिए, मैं वेट कर रही हूँ आप लोगों का, ठीक है? क्वेश्चन कौन कौन से बताए मैंने करने को? क्वेश्चन नंबर 33 का 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 and 15 सारे आ गए, मल्टीप्लाई भी आ गया, प्लस माइनस भी आ गया एंड डिवाइड भी आ गया। हाँ जी ठीक है,
बेसिक्स एंड एक्सपोनेंट में हमें क्या करना है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक नंबर है 6 × 6 × 6 × 6 × 6, ये नंबर है, इसको आपने लिखना है बेस एंड एक्सपोनेंट की फॉर्म में. आपने क्या करना है, सिंपली कॉमन क्या है इन सब में, 6 है 6 लिखा, कितनी बार है 1, 2, 3, 4, यहाँ पे लिख दी इसकी पावर 4 सिंपली. ये तो अब ये क्या हो गई, 6 इसकी बेस हो गई एंड 4 जो है इसका एक्सपोनेंट हो गया. क्या हो गया, एक्सपोनेंट. इजी आया समझ, इस तरीके से करना है बेस एंड एक्सपोनेंट. अब हम आ जाते हैं बुक में, बुक ओपन कीजिए अपनी, पेज नंबर है हमारे पास. ओके, ये काम किस तरीके से करना है, एक्सरसाइज 9.2 की हेडिंग डेट जो है हमारी आज की, ये वाला क्वेश्चन लगाएंगे, राइट द फॉलोइंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और ये हमें काम करना है पूरे 6, ठीक है, क्लियर है. ठीक है बेटा, अगर किसी को कुछ नहीं, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए. मिस मैं बुक में कर लूंगी, हाँ सामिया बुक में कर लेना, ठीक है, मुझे पिक्चर सेंड कर देना ताकि अगर कोई मिस्टेक हो तो मैं आपको बता दूँ, ठीक है. बस अगर किसी को कुछ नहीं पूछना तो हम अपनी क्लास एंड करें. चलिए ओके, अल्लाह हाफिज़.